इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से हमारे पास आ रही है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, गांधी परिवार पर हमला बोला। राहुल गांधी के ट्वीट पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष बुजुर्गों की चिंता कर रही हैं, बहना बंगले की चिंता कर रही हैं, राहुल गांधी पार्टी की चिंता कर ले वही बहुत है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, ये पार्टी भविष्य में अतीत की किस्म की ही वस्तु होने वाली है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। माता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बुजुर्गों की चिंता कर रही हैं, बहना बंगले की चिंता कर रही है, ये पार्टी की चिंता करने है वही पापी है। मित्रों, कांग्रेस जिस तरह से देश के अंदर चल रही है, ये अतीत की वस्तु ही होने वाली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी सर जुड़ चुके हैं। मनोज सर, कैसे देखा जाए, राहुल गांधी का ट्वीट सामने आता है जिसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि हमलावर मोड में नजर आते हैं, कैसे देखते हैं आप उनके बयानों को? देखिए, निश्चित रूप से और हम देख रहे हैं कि देश भर में इस समय कांग्रेस एक अलग दौर से गुजर रही है और राहुल गांधी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और गांधी परिवार को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है जब एक बड़ा नेता अपने साथ 22 लोगों को लेकर आ जाता है, लेकिन ये जो अंतर कलह है ये अभी भी थमी नहीं है। राहुल गांधी साधने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन बात वहीं जाकर उलझ जाती है कि पूरा परिवार सामने आ जाता, और इसीलिए जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मौका मिला तो उन्होंने आज पूरे परिवार पर ही हमला बोला है। आप देखिए, बंगला खाली नहीं करना चाहती है प्रियंका गांधी, तो उन्होंने बंगले को लेकर भी घेर दिया। साथ ही खुद जो सोनिया गांधी जी है जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस की, हम ये भी जानते, चाहे कि एंटोनी की बात करें या अहमद पटेल की बात करें, तमाम ऐसे सीनियर लीडर हैं, बोरा जी की बात करें, वो सब आज भी नजर आ रहा है। समय वो है जब घर में बैठ जाएं, क्योंकि उम्र बहुत हो गई है, लेकिन उम्र के बाद एक रिटायरमेंट की उम्र भी होती है। पर आज भी, और आप देखिए, ये अकेली बात उनकी नहीं है, राहुल गांधी की तरफ से भी बीच में जब उन्होंने प्रभार लिया था तब उनकी तरफ से भी इसी तरह की बातें सामने आई थी कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन युवाओं को मौका मिल ना सका। और उसका उदाहरण है कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गए भारतीय जनता पार्टी में, और अब राजस्थान में जो स्थितियां नजर आ रही है वो भी बता रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद भी लाइन में लगे हुए हैं। तो सवाल यही है कि ये जो दौर है ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, और मौका मिला है नरोत्तम मिश्रा को तो उन्होंने चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, सभी पर एक साथ हमला बोला है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर आपको बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमलावर अंदाज में नजर आए हैं।